लद्दाख पुलिस की जानिब से ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके अहम कार्रवाई करगिल में देखने को मिला है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की जानिब से स्टिकर चालान क्लियर न करने पर 200 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया है और साथ ही साथ 6 ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी चलाते समय फोन यूज करने की वजह से 6 ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया है। इस इश्यू के ऊपर आज एडिशनल SP करगिल इफ्तिखार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आने वाले वक्त में उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई किया जाएगा। आपको बता दें जिन लोगों को स्टिकर चालान लगाया है उनको जल्द से जल्द ट्रैफिक एमले से मिलकर पेनल्टी पे कटाना होगा। और दूसरी जाने ये भी बताया गया है कि अगर किसी को स्टिकर चालान किसी से गुम गया है या उसके पास नहीं है या मिसप्लेस हुआ है तो वो ट्रैफिक आमले से मिलके ट्रैफिक पुलिस से मिलके अपने स्टिकर चालान की जो पेनल्टी है उसको क्लियर कर सकते हैं। इन सारे इश्यूज को लेकर ASP करगिल इफ्तिखार चौधरी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर उनकी तरफ से किस तरह की बातें रखा गया है वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम पैगाम जल जीवन मिशन के हवाले से आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको जल जीवन मिशन को लेके किसी भी तरह के इश्यूज, कंसर्न या ग्रीवेंसेस हैं, इस पैगाम में एक अहम कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है, उस पे आप राबिता करके अपने इश्यूज रख सकते हैं। पहले ये जल जीवन मिशन का पैगाम देखिए, इसके बाद आप तक ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके उनकी तरफ से किस तरह की बातें रखा गया है वो आप तक पहुंचाएंगे। चल जल जीवन क्यों नाम पूछे ना क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके सो एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस मैम, ले जल जीवन ने जतन छूता हम जवान ओले चल जल जीवन क्यों नाम पूछे ना क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके सो एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस मैम, ले जल जीवन ने जतन छूता हम जवान ओले मैडम ले जल जीवन इच्छु अपने भक्तन। जल जीवन मिशन इसकोला थुगिस जदोद योजना जन्मा म्या मनपा हेल्पलाइन नंबर 0224890-2372 का फोन जात या मन्ना 9484151515 का व्हाट्सएप जाते थुगिस जात। देखें जो आज आपको हमने ये तकलीफ दी है यहाँ आने की पुलिस स्टेशन में, ये एक अवेयरनेस भी है, एक अचीवमेंट भी है, दोनों को रिफ्लेक्ट करना चाहती हैं। अवेयरनेस ये है कि लोग जो हैं नो पार्किंग जोन में, ये ट्रैफिक को लेकर है जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल और ट्रैफिक यूनिट करगिल जो है उसने पिछले चंद दिनों में अपनी जो काम सर अंजाम दिया है उसमें 200 लोगों के जो हैं स्टिकर चलान्स हैं जो उन्होंने टाइमली जिनको विद इन 15 डेज के जो है 15 दिन के अंदर अंदर ही वो स्टिकर चलान के जो फाइन होता है वो भरना होता है तो वो लोगों ने नहीं भरा है तो उसकी वजह से उनके 200 के करीब जो है वो गाड़ियों को के जो हैं वो उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। इन एडिशन टू दिस 6 DL जो हैं वो लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे वाइल ड्राइविंग, तो देखें ये पहाड़ी एरिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी दोनों यूनिट्स जो हैं पुलिस की, वो ट्रैफिक यूनिट हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की यूनिट हो, इसको लेकर बड़ी सिंसियरली जो है वो ड्राइव चला रहे हैं हम लोग के ताकि कोई ऐसे एक्सीडेंट्स ना हों जिनकी वजह से लोगों की जान जो है वो चली जाए। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 6 लोग जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे वाइल्ड ड्राइविंग जिनके लाइसेंस को जो है वो सस्पेंड किया गया है टाइम। तो फर्दर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा सर? और दूसरी जानब पब्लिक में एक अफवाह भी था कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से
मिसबिहेव किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, वो एक वीडियो आई थी जो तकरीबन आप लोगों ने भी देखी होगी। उस वीडियो में हमारा पुलिस वाला जो है, ट्रैफिक वाला जो चालान कर रहा था, उसके मुंह से कोई भी बिल्कुल ऐसा मिसबिहेव जो है वो हुआ नहीं है। जो वो जिसका चालान हो रहा था, जिसने नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी लगा के रखी हुई थी, चालान हो रहा था, वही उसको उकसा भी रहा था कि ये किसी तरीके से बदतहजीबी भी करे। लेकिन उसने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने पुलिस वाले को और उस यूनिट के हेड को, DTI को, कि उसने अपने आदमियों को बड़े अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। और इवन मेरे SHO पुलिस स्टेशन करगिल ने भी अपने आदमियों को, हम मिसबिहेव करते नहीं हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और लॉ इम्प्लीमेंट जो नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको तो बुरा लगेगा ही, जब कानून जो है लॉ को जब इन्फोर्स किया जाएगा तो उनको बुरा लगता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, दो वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, ऐसा हो भी सकता है कि कहीं हमसे भी बदतहजीबी हो सकती है, लेकिन उस पार्टिकुलर इंसिडेंट पे हमारी तरफ से कोई भी, पुलिस की तरफ से कोई भी बदतहजीबी हुई नहीं है। और अगर ऐसे अननेसेसरली कोई पुलिस की तरफ से कोई इस किस्म की एक्सट्रीम बदतहजीबी की कोई शिकायत आती है, तो आई विल डील विद दैट पार्टिकुलर पुलिस ऑफिशियल, पुलिस ऑफिसर आल्सो, बट ऐसा हुआ नहीं है। सर, अभी तक जो केस आया है, 200 गाड़ी जो आपने सी की है सर, उसमें ज्यादातर सीट बेल्ट या मोबाइल और इसके अलावा रॉन्ग पार्किंग। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा सर कि सोर्स के मुताबिक हमें सुनने में भी आ रहा है कि चोरी की गाड़ियाँ काफ़ी है, ऐसे कोई गाड़ी आपने सीज की जिसके पास कोई पेपर ही ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो, RC ना हो, उनके साथ किस तरीके की डील की जाएगी? डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, ये बिल्कुल आपके जो आपको इतला मिली है, ये मेरे पास भी इतला है, इंफॉर्मेशन है, उसके लिए हमने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल जो है वो डील करती है, मेरे SHO और चौकी ऑफिसर। तो अभी तक वैसी गाड़ी हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन कंप्लेंट्स आर पोरिंग इन के ऐसी गाड़ियां भी इस एरिया में चल रही हैं जो चोरी से श्रीनगर से या आउटसाइड यूटी ऑफ लद्दाख जो हैं वो यहां पे आई हैं। तो शायद तो डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होने की वजह से वो अभी गाड़ियां जो हैं वो चल नहीं रही हैं, तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, टाउन के आसपास में जो गाड़ियाँ तो उनके खिलाफ भी कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा निशानदेही होगा कि इन गाड़ियों को, या आपके कोई CCTV कैमरा है जिससे आप उन लोगों को, क्योंकि आमतौर पर इसी स्पीड की वजह से नुकसान आ जाते हैं? रोडसाइड टाउन CCTV कैमराज तो नहीं है, लेकिन हम वक्तन फवक्तन क्या करते हैं कि हमारे सरप्राइज नाकास जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं, उनमें हम देखते हैं अगर इस किस्म का कोई ओवर स्पीडिंग व्हीकल जो मिलती है उसके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। सर, जो टाउन का जो सर्कुलर बोर्ड है सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर हम चंगड़ा बाजार से कुछ इमरजेंसी सामान लेने अगर लाचो की तरफ आते हैं सर, तो कम से कम 1 किलोमीटर अराउंड हमें टाउन एरिया को घूमना पड़ता है सर। उसमें अगर टाउन वालों का कहना ये भी है सर कि या लाल चौक से ऊपर के लिए खोला जाए उनके लिए, या खोमिनी चौक से ऊपर अगर हुसैनी पार्क से उस एक को खोला जाए वो ऊपर घुसने के लिए मेन मार्केट के लिए, तो उसमें आप क्या कहते हैं? उसमें देखें, बड़ा क्लियर सी एक चीज़ है कि गाड़ी जब उसको हम टू एंड फ्रो दोनों तरफ की मूवमेंट दे देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी। कंजेशन की वजह से जैसे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल का इशू है, वहाँ से वो गाड़ियों का कहीं या और भी एमरजेंसी में किसी को निकलना होता है, तो वो कंजेशन फिर जैमिंग जो है वो लंबे अरसे की, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की जैमिंग हो जाती है, तो उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। उसके बजाय इसीलिए वो हमने किया हुआ है कि ठीक है, 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन करना पड़ता है गाड़ियों को, लेकिन उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमें ट्रैफिक में जैमिंग देखने को नहीं मिलती, और उस चीज़ के आप लोग भी विटनेस हैं पिछले कुछ चंद दिनों से जो कार्रवाई हो रही है। जिस तरह अभी दोनों साइड से सर, जिस तरह खुमरी चौक से नीचे उतरते हैं सर सर्कुलर रोड की तरफ, तो लाल चौक से ही सर्कुलर रोड की तरफ उतरते हैं, तो एक में सिर्फ ऊपर के लिए लॉक कर दे सर, वन साइड में करते हैं। दैट आई विल सी, मैं देखूंगा, अभी मुझे ऐसे वो अंदाजा नहीं हो पा रहा है, तो आई विल सी, मैं ग्राउंड पे जाके देखूंगा, अगर इस किस्म की फिजिबिलिटी मिली और पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए है तो जरूर की जाए। सर, डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब क्राइम रेट भी काफ़ी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली आपने पूरे खत्ते लद्दाख की बात करें, लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ड्रग्स को लेकर चोरियों के काफ़ी वारदात हमें देखने को मिल रहे सर, तो कितने हद तक लद्दाख पुलिस कामयाब रहे सर? कितने CCTV कैमराज वगैरह अभी तक आप लोगों ने जहाँ मेन मेन लोकेशन पर हमें लगाना चाहिए अब
लोग सक्सेस हुए सर सीसीटीवी कैमरा लगाने, ताकि सीसीटीवी जितना आप लोगों को हेल्प करते सर, लेके कल रिसेंटली जो वारदात हुई उन्हें सीसीटीवी फुटेज से ही जो है उसको पकड़ लें। देखिए जहाँ तक करगिल डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल का मसला है, इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ चोरी की वारदात लास्ट ईयर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमें रिपोर्ट हुए थे जिसमें एफआईआर लगी थी, और वो तकरीबन 90% केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल ने उनको सॉल्व कर दिया हुआ है। वहाँ मेन अक्यूज जो है वो कश्मीर बेस्ड कोई एक जो है वो थीफ था जिसको हमने अरेस्ट किया, और उसके बाद श्रीनगर कश्मीर बेस्ड और भी काफ़ी सारे हमने लाए, वो केसेस हमारे जो हैं अभी 90% जो हैं वो केसेस सॉल्व हो चुके हैं, तो 10% स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन में, उनमें भी हमारे एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, तो होपफुली हम उनको क्रैक कर पाएंगे। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरा का मसला है, हाँ पुलिस की तरफ से भी इंस्टॉल किए गए हैं, मैं आपके माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं, छोटी हैं, वो भी अपने अपने शॉप्स पे लगाएं, ताकि उसकी वजह से हमें कोई इस किस्म की वारदात होती भी है अगर तो हम उसको ईजिली ट्रैक कर पाएंगे, और जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है उस तक हम पहुँच पाएंगे, जो पुलिस का असली मकसद है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो डिटेक्शन तो हो जाएगी कैमराज लगने से, सीसीटीवी कैमराज लगने से, जब लोगों को भी पता चलेगा कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे ये वारदात जो है इनकी प्रिवेंशन भी होती है और डिटेक्शन भी होती है। सर कहीं जिले में ड्रग्स को लेकर क्या पुलिस के पास क्या अपडेट है सर आज के डेट में ड्रग्स को लेकर? देखिए लास्ट ईयर आपको पता है कि हमारी 13 के करीब एफआईआर जो है वो ड्रग्स और अल्कोहल जो है इलीगल जो इस किस्म की चल रही थी उसमें लगी थी, जिनको हमने सभी को चलान प्रोड्यूस कर दिया इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ। इस साल अभी तक कोई एफआईआर नहीं लगी है। हाँ जब हमारे पास के एक चैलेंज जो है वो रहता है, जब गर्मियों में हमारा जुजिला जो है वो ओपन हो जाता है, तो वहाँ से ड्रग्स के आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सोर्सेज के थ्रू के पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन इस किस्म की अगर हो तो वो मिले और उस पर कार्रवाई की जाए। बाकी अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलूँगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। जनरली जो ड्रग्स की बाकी वाली जे एंड के यूटी को देखेंगे या बाकी वाली जगहों को देखेंगे, तो उसके कंपैरेटिवली जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में ये कोई 1-2% के करीब जो ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ हो रहा है, इससे ज़्यादा अभी तक हमें हमारी अपनी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं है। सर जिन 200 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया है, अब तो उन गाड़ियों के मालिकान के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो जाएँ ट्रैफिक के अपने ऑफिस में जाएं वो, और वो जाके अपनी फ़ी भरें और फर्दर जो है वो ऐसी चीज़ नहीं करें, इस चीज़ को लाइटली नहीं लें कि स्टिकर चलान शायद हो गया है तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, वैसा नहीं है। कानून के अपने वो प्रोसीजर्स हैं और वो अपनाए जाएंगे। अब रोजगार भी खोल चुके हैं सर, अब कस्म कस्म के एंट्रीज अब यहाँ शुरू होंगे, अब लोगों को तो लाखों भी है, तो लद्दाख पुलिस किस हद तक मॉनिटर कर रहे हैं और पेट्रोलिंग के हवाले से बात करें, और जो नए लोग सस्पेक्ट जो आपको लगे किस क्या है? इसमें देखिए हमारा पहले तो नेशनल हाईवे पे हमारी पेट्रोलिंग जो है वो आपने खुद भी देखी होगी कि नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग पार्टीज जो हैं वो दिन और रात हमारी इस पे नेशनल हाईवे पे पेट्रोल करती हैं। एंड इन एडिशन टू दिस कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे अपने लेवल पे चलती हैं जो मैं पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहूँगा, जिससे जो है जो इस किस्म के सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको, ताकि हमसे पहले ही इसका नॉलेज हो जाए कि हम कैसे उनको मॉनिटर करते हैं, तो वो नहीं करना चाहूँगा, बट मॉनिटरिंग इज गोइंग ऑन। सर करगिल के लिए एक विमेन पुलिस स्टेशन अनाउंस किया है, उसके एस्टेब्लिशमेंट की क्या स्टेटस है? हाँ उसको हम विद इन अ मंथ जो है उसको एस्टेब्लिश कर देंगे हम, विद इन अ मंथ उस पर मैन पावर भी उसके लिए एयर मार्क हो चुका है, वो एसएसपी साहब ने कर दिया हुआ है, तो ये सारी कार्रवाई जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जनाब अनायत अली चौधरी आईपीएस जो है उनके सुपरविजन में हो रही है, तो बहुत जल्दी ही जो है उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी जैसे बाकी वाली क्राइम्स को लेकर हमें।